यस, गुड मॉर्निंग। सो लेवल टू के क्वेश्चंस एक्सरसाइज के पूरे प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 16.1 के कंप्लीट हो चुके हैं। वी आर गोइंग टू लेवल थ्री क्वेश्चन। लेवल थ्री के क्वेश्चंस हैं, थोड़े टफ है लेकिन आसान आप कर सकते हैं। समझ में आने के बाद इट विल बी इजी। सो ये सॉल्व एग्जांपल नंबर 32 लेवल थ्री का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है सॉल्व एग्जांपल, और एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में दोनों करेंगे। सो आरडी शर्मा का एग्जांपल सॉल्व एग्जांपल नंबर 32 पेज 16.19 लेवल थ्री का एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। ऑन द डिस्क शोन, ये एक डिस्क है, ऑन द डिस्क शोन, इसमें एक एरो है, एरो जिसको हम रोटेट कर सकते हैं, एरो को। एक्चुअली आपने देखो अगर कहीं पे, एक्चुअली बहुत सारी जगह रहता, एरो रोटेट करेंगे तो एरो किसी भी नंबर पे आके रुक सकता, और हर नंबर पे रुकने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, सभी नंबर पे रुकने की प्रोबेबिलिटी। यानी एरो वन पे भी रुक सकता, या एरो वन पे रुक सकता, टू पे रुक सकता, थ्री, जैसे अभी थ्री पर है, फोर फाइव सिक्स, ऐसे छः नंबर है, छः में से किसी भी नंबर पर रुक सकता। इनफैक्ट ये इसका रिजल्ट बिल्कुल सेम डाई जैसे है, जैसे एक डाई को थ्रो करेंगे तो नंबर वन भी आ सकता, टू भी आ सकता, थ्री भी आ सकता, फोर। तो जैसे हम डाई को थ्रो करते हैं वैसे ये एरो है, डाई को थ्रो करेंगे तो भी क्या नंबर आ सकता, वन या टू, वैसे ये एरो वन पर रुक सकता, या डाई को थ्रो करेंगे टू भी आ सकता, या एरो भी टू पर रुक सकता, डाई को थ्रो करेंगे तो थ्री नंबर भी आ सकता, या एरो जैसे थ्री पर रुका हुआ है, डाई को थ्रो करेंगे फोर नंबर भी आ सकता, यहाँ एरो फोर पर आ सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे भी देखिए, डाई में भी अगर आप देखेंगे छह नंबर रहते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, डॉट्स के फॉर्म में। तो अगर आप डाई को थ्रो करेंगे तो भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, छह में से कोई भी नंबर आ सकता, वैसे ही एरो को स्पिन करेंगे तो छह में से किसी भी नंबर पर रुक सकता। यानी एरो का रिजल्ट, एरो स्पिन का रिजल्ट और डाई थ्रो करने का रिजल्ट सेम है। नो, आप क्वेश्चन में दिया है कि इस एरो को दो बार स्पिन कर रहे, फर्स्ट टाइम एक रिजल्ट आ रहा, सेकंड टाइम एक रिजल्ट आ रहा। मैं सपोज एक डाई को एक बार थ्रो करेंगे तो एक रिजल्ट आएगा, उसको दूसरी बार थ्रो करेंगे फिर एक रिजल्ट आएगा। सो दो डाइस को एक साथ थ्रो करिए, दो डाइस, या एक डाई को दो बार थ्रो करिए, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम। इसके पहले हम लोग ने देखा एक्चुअली 1 1 1 2 1 3, ऐसे 36 कॉम्बिनेशन लिखते थे, यहाँ भी 36। हाँ, अगर इस एरो को एक ही बार स्पिन करते तो रिजल्ट या तो सिर्फ वन आ सकता, या टू आ सकता, या थ्री, लाइक दिस। लेकिन अगर इसी एरो को एक बार स्पिन किया और एक रिजल्ट आ गया, उस रिजल्ट को ए बोल रहे हैं यहाँ पे, ए। ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ फर्स्ट स्पिन और बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेकंड स्पिन। यानी इस एरो को पहली बार स्पिन कर रहे एक रिजल्ट आ रहा, दूसरी बार स्पिन कर रहे फिर दूसरा रिजल्ट आ रहा। जब पहली बार स्पिन कर रहे तो जो भी रिजल्ट आ रहा उसको बोल रहे ए, जब दूसरी बार स्पिन कर रहे जो भी रिजल्ट आ रहा उसको बोल रहे बी, लाइक दिस। तो जैसे यहाँ पे एरो को स्पिन करने से छः में से कोई भी एक नंबर आ सकता, एक डाई को थ्रो करने से छः में से कोई भी एक नंबर आ सकता। एक डाई को अगर दो बार थ्रो किया तो पहली बार एक रिजल्ट, दूसरी बार एक रिजल्ट। वैसे ही एरो को पहली बार स्पिन किया तो कोई एक नंबर आएगा इसमें से, एक रिजल्ट, दूसरी बार स्पिन किया दूसरा रिजल्ट। तो बेसिकली एरो को दो बार स्पिन करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे एक डाई को दो बार थ्रो करे या दो डाई को एक साथ थ्रो करे। तो दो डाई को एक साथ थ्रो करेंगे तो रिजल्ट ऑलरेडी आपने इसके पहले देखा है, 1 1 1 2 1 3 1 4, बिल्कुल सेम रिजल्ट यहाँ पे आएगा। जैसे यहाँ पे भी स्पिन किया पहली बार वन आ गया, दूसरी बार स्पिन किया फिर वन आ गया, तो इसको बोलेंगे 1, 1। पहली बार स्पिन किया वन आ गया, दूसरी बार स्पिन किया टू आ गया, तो इसको बोलेंगे 1, 2। पहली बार स्पिन किया वन आ गया, दूसरी बार थ्री, ऐसे 1, 1, 1, 2, 1, 3, ऐसे रिजल्ट आएंगे। 36 कॉम्बिनेशन, दो डाइस को जब आप थ्रो करेंगे जो रिजल्ट आता था, या एक डाई को दो बार थ्रो करेंगे तो भी सेम रिजल्ट आता था, वही सेम रिजल्ट यहाँ पे भी आएगा। डाई में भी कितने नंबर रहते हैं, छः नंबर, और यहाँ पे भी कितने नंबर्स, एक्चुअली सिक्स नंबर्स। वहाँ डाई को थ्रो करते थे तो नंबर 1, 2, 3 आता था, यहाँ एरो को स्पिन करेंगे तो एरो जहाँ जाके रुकेगा 1 पे 2 पे 3, तो रिजल्ट आ जाएगा 1, 2, 3, लाइक दिस। दिस इज द थिंग। तो जैसे दो डाइस को थ्रो करेंगे, एक डाई को दो बार थ्रो करेंगे तो जो रिजल्ट आता था 36 कॉम्बिनेशन 1, 1, 1, 2, बिल्कुल सेम रिजल्ट यहाँ पे भी आएगा। ओके, सो व्हेन एरो इज, व्हेन एरो इज, सो ऑन द डिस्क शोन अ प्लेयर स्पिन्स द एरो ट्वाइस, व्हेन एरो इज स्पिन twice, then maximum possible possible outputs are as shown. So इसको suppose figure one बोल रहे हैं हम, अभी जो हम लिखेंगे actually इसको figure two बोलेंगे। Maximum possible outputs are as shown in figure 2 below, as shown in figure 2 below. Is it clear?
इसको सपोज फिगर टू, आई एम ड्रॉइंग इट हियर, सपोज यहां पे इसके नीचे फिगर टू ड्रॉ कर ले रहे, ये फिगर वन आ गया, दिस इज योर सपोज फिगर नंबर टू, ओके। सो देखिए यहां पे सैंपल जेड इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, एस इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. So 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Is it clear? वैसे यहां पे सेकेंड आ जाएगा 2, 1, 2, 2. आई एम असुमिंग समझ में आ रहा है, जैसे 1, 1, 1, 1 का मतलब क्या होता है, जब एरो को पहली बार स्पिन किया तो 1 पे आके रुका, दूसरी बार स्पिन किया फिर 1 पे आके, इसलिए 1, 1, यानी पहला जो नंबर लिख रहे ये फर्स्ट स्पिन के बाद जो रिजल्ट आया, दूसरा जो नंबर लिख रहे ये सेकंड स्पिन के बाद जो रिजल्ट आया, नॉट जो फर्स्ट स्पिन के बाद रिजल्ट आया उसी को स्मॉल ए बोलेंगे, जो सेकंड स्पिन के बाद रिजल्ट आया इसको बी बोलेंगे। यहां देखिए दिया हुआ है, यस ऑन द डिस्क शोन अ प्लेयर स्पिन्स द एरो ट्वाइस, यानी इस डिस्क पे प्लेयर क्या कर रहा है, एरो को दो बार, पहली बार स्पिन किया एक रिजल्ट आ गया, फिर स्पिन किया दूसरी बार रिजल्ट आ गया, दो बार स्पिन कर रहा। ऑन द डिस्क शोन अ प्लेयर स्पिन्स द एरो ट्वाइस द फ्रैक्शन ए अपॉन बी इज फॉर्म्ड, फ्रैक्शन ए अपॉन बी, ए न्यूमरेटर में है बी डिनोमिनेटर में है। अब ए और बी क्या है, दिया ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ फर्स्ट स्पिन, यानी फर्स्ट स्पिन के बाद, सपोज पहली बार हमने स्पिन किया, सपोज इसको चेक कर लिया, पहली बार हमने स्पिन किया तो नंबर ये एरो 1 पे आके रुका था ये 1, दूसरी बार स्पिन किया तो 4 पे आके रुका, लाइक दिस, इसलिए इसको 1, 4 नॉट 2, 1 का मतलब क्या होता, पहली बार स्पिन किया तो एरो 2 पे आके रुका, दूसरी बार स्पिन करेंगे 1 पे, नो पहली बार स्पिन करने के बाद एरो जिस नंबर पे रुक रहा है उसको ए बोल रहे हैं, यानी ये ए हो गया, यानी जो भी लिख रहे आप पहली बार, ये जो फर्स्ट नंबर लिख रहे ये फर्स्ट नंबर यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 1 सब ए है, और जो सेकंड नंबर है सेकंड टाइम स्पिन करने के बाद जो रिजल्ट एरो जहां पे आकर रुकेगा, ये सेकंड नंबर जो भी लिख रहे जैसे यहाँ सेकंड नंबर, ये सेकंड नंबर, ये सेकंड नंबर, ये बी हो गया, इसको अगर सपोज आपको मार्क करना आप मार्क कर सकते ए एंड बी, इज इट क्लियर, ये फर्स्ट स्पिन के बाद ये नंबर हमारा ए है, दिस इज ए, ओके, और सेकंड स्पिन के बाद ये नंबर हमारा बी है। अमेजिंग समझ में आ रहा, सो पहली बार स्पिन करने के बाद एरो जहां रुक रहा है जिस नंबर पे इसको ए बोल रहे हैं, इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया ये ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ फर्स्ट स्पिन, और दूसरी बार स्पिन करने के बाद जहां पे रुक रहा है उसको बी बोल रहे हैं, ये ए बी, वैसे यहां पे ए बी, ये ए बी, ए यानी फर्स्ट स्पिन के बाद जो नंबर एरो जहां पे रुक रहा है, बी यानी एरो सेकंड स्पिन के बाद जहां रुक रहा है, लाइक दिस कंटिन्यू, ठीक है, सो ए एंड बी, 2, 1, 2, 2, तो बेसिकली आपको हमने बताया यहां पे भी कितने नंबर है, 6 नंबर, डाइस में भी कितने नंबर रहते हैं, 6, ठीक है, लाइक दिस, अगर डाई को एक बार थ्रो करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कुछ भी आ सकता है, एरो को एक बार स्पिन करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कुछ भी आ सकता है, डाई को अगर एक बार दो बार थ्रो किया तो दो कॉम्बिनेशन आएंगे, अगर दो डाइस को एक साथ थ्रो किया तो भी रिजल्ट ऐसा आता, या एक डाई को एक बार दो बार थ्रो किया तो भी रिजल्ट ऐसी आता, और यहां का रिजल्ट डाइस जैसी है, इसलिए एरो को एक बार स्पिन किया तो एक डाई थ्रो करने जैसे आंसर आता 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन अगर सपोज एक डाई को दो बार थ्रो किया वैसी एरो को दो बार स्पिन किया, पहली बार स्पिन किया एक रिजल्ट आया, दूसरी बार स्पिन किया फिर एक रिजल्ट आया, वो यहां लिखा हुआ है, तो 1, 1 यानी पहली बार स्पिन करने के बाद एरो 1 पे रुका, यहां 1, दूसरी बार स्पिन करने के बाद भी 1 पे रुका, 1, 2 पहली बार स्पिन करने के बाद 1 पे रुका, दूसरी बार स्पिन करने के बाद 2 पे रुका, 1, 3 लाइक दिस, फर्स्ट टाइम स्पिन करने के बाद एरो 1 पे रुका, सेकंड टाइम स्पिन करने के बाद 3 पे रुका, लाइक दिस कंटिन्यू, ओके, तो वैसे 2, 1, 2, 2 लाइक दिस कंटिन्यू इट इज, बाद में 2, 3, 2, 3, 2, 4, 2, 4 देन 2, 5 देन 2, 6 2, 1, 2, 2 लाइक दिस, तो बिल्कुल सेम, तो बेसिकली यहां पे भी 6 नंबर है और डाई में भी 6 नंबर रहते हैं, एक डाई को थ्रो करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कुछ भी आ सकता, एरो को एक बार स्पिन करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कुछ भी आ सकता, एक डाई को एक बार दो बार थ्रो करेंगे तो ऐसे दो कॉम्बिनेशन आएंगे, पहली बार का दूसरी बार का, लाइक दिस
वैसे ही एरो को पहली बार स्पिन करेंगे और फिर दूसरी बार भी स्पिन करेंगे, तो पहली बार स्पिन करने के बाद जहां रुकेगा वो एक रिजल्ट आएगा, दूसरी बार स्पिन करने के बाद जहां रुकेगा दूसरा रिजल्ट आएगा, इसी दो कॉम्बिनेशन 1 1 1 2। और पहली बार स्पिन करने के बाद जहां भी रुक रहा उसको ए बोल रहे, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और दूसरी बार स्पिन करने के बाद जहां रुकेगा दैट इज कॉल्ड एज बी। सो 1 1 1 2 लाइक दिस, 2 1 2 2 से लेकर 2 6 तक लाइक दिस इट विल कंटिन्यू। इसी तरह 3 1 3 1 3 2 3 3 देन 3 4। तो अगर आप बुक में देखेंगे पूरे 36 कॉम्बिनेशन दिए हुए, 3 4 देन 3 5 3 6 वैसे 4 1 4 2 4 3। सो आई एम नॉट राइटिंग डैश डैश, लास्ट कॉम्बिनेशन हमारा 6 वाला आ जाएगा, सो आई एम पुटिंग डैश डैश। अगर आपको पूरे कॉम्बिनेशन देखना, आपके बुक्स में पूरे 36 कॉम्बिनेशन है, सो यहां पे आ जाएगा 6 1 देन 6 2 देन 6 3 देन 6 4 देन 6 5 and the last is 6 6. ऐसे 36 combinations है। Now अगर ये combinations आप देखेंगे तो पहली बार spin करने के बाद arrow, जैसे for example 3 4, पता है 3 4 का मतलब क्या होता है? पहली बार arrow spin करने के बाद 3 पर रुका, दूसरी बार spin करने के बाद 4 पर रुका। तो पहली बार spin करने के बाद 3 पर रुका, इसी को A बोल रहे हैं, दूसरी बार स्पिन करने के बाद 4 पे रुका, इसी को बी बोल रहे हैं। अब यहां पे फ्रैक्शन ए अपॉन बी, देखिए ए अपॉन बी दिया। नो अगर सपोज आप डुप्लेट्स देखेंगे, डुप्लेट सेम नंबर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये जो नंबर है ना सेम 1 1, यानी ए और बी दोनों सेम है, बट यहां पे भी 2 2, ए और बी दोनों सेम, ये ए और बी, 3 3, इसी तरह 4 4 5 5 6 6, इनको डुप्लेट्स भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं एक्चुअली? डुप्लेट्स, ऑलरेडी इसके पहले आपने पढ़ा है। तो यहां पे अगर देखेंगे डुप्लेट्स में ए और बी दोनों इक्वल है, इसको हम मार्क कर दे रहे हैं एक्चुअली, ठीक, आई एम मार्किंग इट सेपरेटली। ये देखिए 1 1 2 2 3 3, ओके दिस इज 1 1 2 2 3 3, ऐसे यहां पे आएगा 4 4, फिर आएगा 5 5, फिर आएगा 6 6, सो लाइक दिस इट विल कंटिन्यू। I'm just putting dash dash. So इनको बोलते हैं डुप्लेट्स। यहां पे सेम नंबर देखिए आ रहा है 1 1 2 2 3 3, यहां पे आएगा 4 4 5 5, हमने लिखा नहीं है, डैश डैश कर दिया, लेकिन सेम नंबर। अब अगर हम यहां पे देखेंगे ये जो बॉक्स में हमने पुट किया, तो ए बी वन बी बी वन, तो बताइए अगर ए अपॉन बी करेंगे तो 1 अपॉन 1, आंसर 1। यहां ए बी वन बी बी वन, अगर ए अपॉन बी करेंगे तो 2 अपॉन 2, दोनों 2 है, 2 अपॉन 2 1, यानी जितने भी ये डुप्लेट्स है वहां पे ए और बी की वैल्यू सेम है, फिर ए अपॉन बी करेंगे, डिविजन करेंगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। जैसे यहां ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, बताइए ए अपॉन बी 1 अपॉन 1, ठीक है, आंसर 1। यहां ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 2, दोनों सेम है, तो ए अपॉन बी मतलब 2 अपॉन 2, आंसर 1। यहां ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 3, तो ए अपॉन बी यानी 3 अपॉन 3 1, लाइक दिस कंट्री। वैसे यहां पे ए की वैल्यू भी 6 है, बी की वैल्यू भी 6 है, तो ए अपॉन बी करेंगे 6 अपॉन 6, आंसर क्या आ जाएगा एक्चुअली 1, आंसर विल बी 1। मतलब अगर यहां पे जो बॉक्स है अगर इसमें आप चेक करेंगे यहां पे, तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू 1 आएगा, या बोल सकते ए इज इक्वल टू बी, ए की वैल्यू बी की वैल्यू सेम आएगी, तो ए अपॉन बी का आंसर क्या मिल जाएगा 1, ए अपॉन बी इज इक्वल टू 1, इज इट क्लियर? ना अगर इस तरफ देखेंगे ये डुप्लेट्स के राइट साइड में देखिए, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3, यहां सब जगह देखिए एक, यहां पे देख ले 3 4, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, लाइक दिस। तो अगर डुप्लेट्स के, जो डुप्लेट्स आपने ड्रॉ किया राइट येलो कलर से, इसके राइट साइड में हर जगह ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू कम है और बी की वैल्यू ज्यादा है, लाइक दिस, ठीक है। सो अगर ये पूरे बॉक्स देखेंगे, ये पूरे टर्म्स अगर हम देखेंगे, इफ विल सी ऑल दीज टर्म्स, ये पूरे टर्म्स देखेंगे, ऐसे 15 टर्म्स रहेंगे बेसिकली। ऐसे कितने टर्म्स रहेंगे अगर? 15 टर्म्स। ये पूरे बॉक्स में देख लिए, पहला नंबर हमेशा छोटा है, दूसरा बड़ा है, पूरे बॉक्स में, लाइक दिस।
पहला नंबर यानी ए छोटा है और दूसरा नंबर बी बड़ा है, लाइक दिस, इज इट क्लियर? सो सपोज ये बॉक्स में अगर हम देखेंगे तो ए इज लेस देन बी, ठीक है? ए यानी कौन सा नंबर? फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर ये है। तो सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज ए 1/4 में, दिस इज ए एंड दिस वन इज बी, ये हमारा बी है, ये बी है, तो ए इज लेस देन बी। पूरे बॉक्स में देख लीजिए, पहला नंबर हमेशा छोटा है और दूसरा नंबर क्या एक्चुअली बड़ा है, सेकेंड नंबर बड़ा है, फर्स्ट नंबर छोटा है। ए इज लेस देन बी, इज इट क्लियर? तो राइट साइड की पूरे बॉक्स, बीच की येलो लाइन में जो इनक्लोज किया येलो लाइन में, आपके बुक में भी देखिए है, अगर बीच के इसको डुप्लेट्स बोलते हैं, जहां ए और बी दोनों इक्वल है, पहला नंबर ए दूसरा नंबर बी, 1-1 दोनों इक्वल, 2-2 दोनों इक्वल, 3-3 दोनों इक्वल, 4-4 दोनों इक्वल, 5-5 दोनों इक्वल, 6-6 दोनों इक्वल, ए और बी इक्वल, तो हाँ ए अपॉन बी का आंसर बनाएगा। लेकिन इसके राइट साइड, इस येलो लाइन के राइट साइड में देखेंगे तो हमेशा पहला नंबर छोटा है हमेशा और दूसरा नंबर बड़ा है, और पहले नंबर को ए बोल रहे हैं दूसरे नंबर को बी बोल रहे हैं, यानी ए छोटा है, ए इज लेस देन बी। तो अगर ए छोटा है मतलब न्यूमरेटर का नंबर छोटा है, सपोज न्यूमरेटर का नंबर, सपोज सिंपल एग्जांपल ये ले लिए लाइक दिस, सपोज टेक दिस, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 4, यानी 1/4, 1/4 यानी 1 से कम है, तो यहां पे ए अपॉन बी इज लेस देन 1। और अगर आप इस येलो लाइन में देखेंगे तो ए और बी इक्वल है, ए अपॉन बी 1, इसके राइट साइड में देखेंगे तो ए छोटा है बी बड़ा, तो ए अपॉन बी ग्रेटर देन 1। इसी येलो लाइन के लेफ्ट साइड में देखिए, अभी ये लेफ्ट साइड, यहां हमेशा आपको फर्स्ट नंबर बड़ा दिखेगा, फर्स्ट नंबर बड़ा है, फर्स्ट नंबर बड़ा और सेकेंड नंबर छोटा है, ठीक लाइक दिस। तो अगर सपोज यू फिल सी दीज बॉक्सेस, ये जो बॉक्स है, बॉक्स में आप चेक कर ली, दिस इज ए, ये देखिए 6 ए है और ये है बी, ये बी है। तो बीच की येलो लाइन में अगर आप देखेंगे तो पहला नंबर ए और दूसरा नंबर बी दोनों इक्वल है, राइट साइड में देखेंगे तो पहला नंबर ए छोटा है सब जगह ए छोटा बी बड़ा है, ए छोटा बी बड़ा, ए अपॉन बी लेस देन 1। लेकिन अगर येलो लाइन के लेफ्ट साइड में देखेंगे तो हमेशा पहला नंबर बड़ा है, देखिए यहां 2 है, 2-1 में 2, 3-1 में 3, 3-2, 3 लाइक दिस। सो फर्स्ट नंबर हर जगह देखिए फर्स्ट नंबर बड़ा है, यानी क्या है यहां पे, फर्स्ट नंबर जो ए है वो बड़ा है, सेकंड नंबर बी छोटा है, यानी यहां पे कंडीशन ये है कि ए इज ग्रेटर देन बी। जैसे सिंपल एग्जांपल है, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 2, बताइए 6/2 आंसर कितना आ जाएगा, 3। क्या 3 आंसर 1 से कम है कि 1 से बड़ा है, 1 से ज्यादा है, ठीक है? सो ए इज ग्रेटर देन बी, इसलिए ए अपॉन बी की वैल्यू ग्रेटर देन 1, और हमको ए अपॉन बी ग्रेटर देन 1 चाहिए। ए अपॉन बी की वैल्यू यहां पे देख लीजिए, फाइंड द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फ्रैक्शन ए अपॉन बी इज ग्रेटर देन 1, फ्रैक्शन ए अपॉन बी इज ग्रेटर देन 1, हमको ए अपॉन बी 1 से बड़ा चाहिए, यहां ए अपॉन बी 1 से बड़ा है। ऐसे टोटल टर्म्स कितने हैं, 36, 36 में से बीच में टर्म अगर आप देखेंगे सेम वाले 1-1, 2-2, 6 टर्म्स है, ये 6 टर्म्स, 36 में से 6 कम कर दिए, 36 में 6 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 30, 30 में आधे आधे टर्म्स, आधे टर्म इधर आ जा रहे हैं, 15 टर्म्स, 30 का आधा करेंगे डिवाइड बाय 2 15, और 15 टर्म्स यहां आ जाएंगे, यानी यहां पे भी कितने टर्म्स है अगर आप देखेंगे, यहां पे है 15 टर्म्स, यहां पे है 15 टर्म्स। नाउ ए इज इक्वल टू बी में कितने टर्म्स है, इक्वल वाले में कितने टर्म्स है, 6 टर्म्स है, देयर आर 6 टर्म्स, ठीक है? ए इज इक्वल टू बी, क्लियर? इसको थोड़ा और अच्छे से लिख ली, ए इज इक्वल टू बी और ए अपॉन बी 1 येलो लाइन में, इज इट क्लियर? और यहां पे ऐसे कितने टर्म्स अगर आप देखेंगे, ऐसे 6 टर्म्स है, ये इक्वल वाले देख ली, 1-1, 2-2,
ये 1-1 एक टर्म हो गया, 2-2 एक टर्म हो गया, 3-3 ऐसे कितने टर्म्स है, 6 टर्म्स। टोटल टर्म्स कितने हैं, 36। 36 में 6 टर्म्स हो गए, 6 टर्म्स इक्वल वाले, 36 में से 6 कम कर दिए, ये 6 कम कर देंगे कितने बच जाएंगे, 36 - 6 = 30। ये 30 टर्म्स के आधे आधे, आधे उस तरफ है आधे इस तरफ है, सड़क के उस पार आधे, 30 के आधे मतलब 15, और सड़क के इस पार आधे, यानी येलो लाइन के राइट साइड में जो 30 बचे, 30 में से 15 टर्म्स, और यहां पे भी अगर आप देखेंगे यहां पे 15 टर्म्स, सो ऐसे यहां पे 15 टर्म्स है। इज इट क्लियर? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। एक बार ये समझ में आ गए तो प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है। तो बताइए एरो को जो स्पिन करेंगे तो एरो कहां रुक सकता है, 1 पे 2 3 4 5 6 कहीं पे भी। एक डाई को थ्रो करेंगे तो डाई पे नंबर क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, यानी एक डाई को थ्रो करेंगे जो रिजल्ट आएगा, एरो स्पिन करेंगे एक बार तो वही सेम रिजल्ट आएगा। तो बेसिकली इसने क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन डाई के क्वेश्चन को चेंज कर दिया, इफ अ डाई इज थ्रोन तो क्या रिजल्ट आएगा, 1 आ सकता, 2 आ सकता, 3, इफ एरो इज स्पिन क्या रिजल्ट आ सकता, 1 पे एरो रुक सकता, 1 आ सकता, 2 पे एरो रुक सकता, 2 आ सकता, 3 4 5 6। तो वहां पे भी डाई में भी 6 नंबर, यहां भी 6 नंबर। हाँ, अगर एक डाई को सपोज एक बार थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6, एरो को एक बार स्पिन किया 1 2 3 4 5 6, लेकिन अगर डाई को दो बार थ्रो किया, पहली बार दूसरी बार, तो दो कॉम्बिनेशन आएगा 1 1 1 2, ऐसे 36 रिजल्ट आएंगे अगर डाई को दो बार थ्रो किया। पहली बार थ्रो करेंगे 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी एक रिजल्ट, दूसरी बार थ्रो करेंगे फिर से 1 2 3 4 5 6, तो 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस तो उसका देखिए टेबल सेम, ये 2 डाइस आर थ्रोन का टेबल है 1 1 1 2 लाइक दिस। वैसे यहां पे एरो को एक बार स्पिन करेंगे तो एक डाई का रिजल्ट, दो बार स्पिन करेंगे दो डाई का रिजल्ट। इज इट क्लियर? सो ये रिजल्ट हमने कैसे लिखा, जैसे बिल्कुल 2 डाइस आर थ्रोन का रिजल्ट था 1 1 1 2 1 3, ठीक है ना। जैसे कैंडिडेट, जैसे फॉर एग्जांपल 2 3 कैंडिडेट कर रहा, एरो को पहली बार स्पिन करेंगे तो पहली बार 2 पे आके रुकेगा, ये ए है, दूसरी बार स्पिन करेंगे दूसरी बार 3 पे आके रुकेगा, ये बी है, ये ए और बी, तो फर्स्ट टर्म ए है सेकंड टर्म बी है। तो ऐसे पूरे 6 रोज और 6 कॉलम जो 2 डाइस में थे, 36 टर्म्स है, तो मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट आई शोन इन फिगर बिलो फुल स्टॉप। हेंस इन फिगर 2 दैट इज फिगर नंबर 2, ये फिगर नंबर 2 है, हेंस मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स, इट इज नॉट बाई एन एस, इज इक्वल टू 6 रोज इंटू 6 कॉलम्स एंड दैट इज 36। सो वेन 2 डाइस आर थ्रोन तो भी आउटपुट 36 आते थे, वेन 2 डाइस आर थ्रोन तो भी आउटपुट 36 आते थे, यहां पे एरो को दो बार स्पिन किया तो भी आउटपुट 36 है। इज इट क्लियर? सो व्हेन एरो इज स्पिन ट्वाइस देन मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट्स आर एज शोन इन फिगर 2, दिस इज फिगर नंबर 2, ये फिगर 2, फिगर 1 है एरो का, ये फिगर 2 है, हेंस मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स ns इज इक्वल टू 6 रोज इनटू 6 कॉलम इज इक्वल 36। अब हमारा जो इवेंट है, इवेंट ए, बताइए इवेंट ए हमको किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फ्रैक्शन ए अपॉन बी इज ग्रेटर देन 1। बताए अगर a अपॉन b ग्रेटर देन 1, a अपॉन b 1 से बड़ा, मतलब फर्स्ट टर्म न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर छोटा, यानी a की वैल्यू बड़ी होना चाहिए। बताए a इज ग्रेटर देन b, ये जितने भी यहाँ पे 15 टर्म्स, जितने भी 15 टर्म्स ये बॉक्स में है, 15 टर्म्स सब जगह देखिए आप, पहला वाला नंबर a बड़ा है, दूसरा नंबर छोटा है, a बड़ा है फर्स्ट स्पिन के बाद जहां एरो रुकेगा a बड़ा है, और सेकंड स्पिन के बाद जहां रुकेगा b वो छोटा है, a अपॉन b ग्रेटर देन 1, ऐसे कितने टर्म्स है, 15 टर्म्स। So, a upon b greater than 1 में कितने टर्म्स आ जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स कितने आ जाएंगे, 15। a upon b less than 1 में अगर सपोज निकालना पड़ता हमको प्रोबेबिलिटी का, a upon b less than 1 निकालना पड़ता, यहां फेवरेबल टर्म्स कितने आ जाते हैं, यहां पे 15। और अगर a upon b is equal to 1 वाला, अगर सपोज a upon b is equal to 1 की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो फेवरेबल टर्म्स कितने आ जाते हैं, 6। a upon b less than 1 के लिए कितने आ जाते हैं, 15। a upon b greater than 1 के लिए भी कितने आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे, 15 टर्म्स। इवेंट ए आउटपुट a upon b greater than 1, output is equal to a upon b greater than 1, जैसे कितने टर्म्स है जहां पे a upon b greater than 1 है, 15 टर्म्स है, a upon b greater than 1 full stop। So number of
outputs for A upon B greater than 1. Number of outputs for A upon B greater than 1 are 50. ठीक है, ऐसे कितने आउटपुट्स हैं जहां पे A upon B greater than 1 होता है? 15. कौन से 15 टर्म्स? ये बॉक्स में 15. ठीक है, यहां ये बॉक्स में सब जगह देख लिए. पहला नंबर जो है वो A है, वो बड़ा है. दूसरा नंबर जो B वो छोटा है. फर्स्ट नंबर बड़ा है, सेकंड नंबर छोटा है. फर्स्ट नंबर A बड़ा है, B छोटा है, वही लिखा हमने. A बड़ा है, B छोटा है, तो इसलिए A upon B का आंसर 1 से बड़ा आएगा. सो नंबर ऑफ आउटपुट्स फॉर A upon B greater than 1 आर 15. अगर हमको प्रोबेबिलिटी A upon B greater than 1 निकालना, 15 टर्म्स फेवरेबल आउटकम. A upon B less than 1 निकालना पड़ता तो भी 15 टर्म्स फेवरेबल आउटकम्स, यहां पे 15 आता. हाँ, अगर A upon B is equal to 1 निकालना पड़ता तो यहां पे फेवरेबल टर्म्स, नंबर ऑफ फेवरेबल टर्म्स 6 आ जाते, ये 6 टर्म्स आते. ठीक है, तो हमको A upon B greater than 1, सो नंबर ऑफ आउटपुट्स फॉर A upon B greater than 1 आर 15 टर्म्स. ये नंबर ऑफ आउटपुट्स बोल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हेंस number of favorable outcomes, number of favorable outcomes NA is equal to 15. ये 15 कहां से आया? ये जो 15 टर्म्स है ना, 15 टर्म्स, यही 15 यहां पे लिखा है, यही 15 यहां पे भी है. number of favorable outcomes NA is equal to 15. So probability of event A, PA, is equal to NA upon NS. NA की वैल्यू 15 है, NS की वैल्यू 36 है, और दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से. 3 5s are 15 और 3 12s are 36. So 5/12. The answer is 5/12. तो बेसिकली ये क्वेश्चन एरो स्पिन करने का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डायस वाला क्वेश्चन है. ठीक है, लाइक दिस. अगर एक बार स्पिन करने को क्वेश्चन आता, यानी एक डाय को थ्रो किया, दो बार स्पिन करने के बाद क्वेश्चन आया तो दो डायस को थ्रो किया, या एक डाय को या तो दो बार थ्रो किया या टू डायस को एक साथ थ्रो किया, इसलिए रिजल्ट वैसे डायस का, टू डायस का थ्रोन का रिजल्ट लिखा हुआ है. इज इट क्लियर? तो इसमें याद रखिए, बीच के 6 टर्म्स जहां पहला और दूसरा नंबर इक्वल आ रहा है, ए और बी इक्वल आ रहा है, 1 1 2 2 3 3. ठीक है, यहाँ ए और बी इक्वल है और ए अपॉन बी का आंसर 1 आएगा फिर, क्योंकि दोनों इक्वल है. 1/1 का आंसर 1, 2/2 का आंसर लाइक दिस. और ये 36 में से 6 टर्म्स ये हो गए, 6 टर्म्स को छोड़ के 36 में 6 माइनस करेंगे 30 टर्म्स बचे. 30 का आधा 15 टर्म्स यहाँ है और 15 टर्म्स यहाँ है. तो 15 टर्म्स यहाँ जो है, वहां सब जगह देख लिया आप, सब जगह. पहला नंबर ए हमेशा छोटा है, दूसरा नंबर बी बड़ा है. पहला नंबर छोटा है, ए बी बड़ा है, तो ए अपॉन बी का आंसर 1 से कम आएगा. और इधर के पूरे 15 टर्म्स देख लिए, यहां पहला नंबर ए हमेशा बड़ा है, सेकंड नंबर बी छोटा है, तो ए अपॉन बी का आंसर 1 से ज्यादा आएगा. अगर सपोज प्रॉब्लम आए तो यहां चेक कर, जैसे फॉर एग्जांपल यहां 1/4, यहां ए अपॉन बी का आंसर क्या आएगा? 1/4 यानी 0.25. ठीक है, यहां चेक कर लिया, ए अपॉन बी का आंसर 6/2 कितना आ जाएगा? 3. यहां से एक सपोज एग्जांपल लेके आप चेक कर सकते, आंसर 1 से बड़ा रहा है छोटा आ रहा. यहां चेक कर लिए सपोज 3/3 कितना आ जाएगा? 1. यहां पे ए अपॉन बी का आंसर 1. यहाँ 6/2 कितना आ जाएगा? 3, यानी 1 से ज्यादा. यहाँ देखिए 1/4 यानी 0.25, यानी 1 से कम, ये 1 से कम. सो दिस आर थिंग. ओके, ये सॉल्व एग्जांपल हो गया. ऐसी एक्सरसाइज में एक लास्ट क्वेश्चन दिया है, ठीक है, दिस क्वेश्चन नंबर 73 मोस्ट प्रॉब्ली लेवल 3 का क्वेश्चन, वो भी सॉल्व करेंगे. यस, स्वाति शर्मा, एक्सरसाइज 16.1 लेवल 3 का सिर्फ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 पे 16.26 लेवल 3 का क्वेश्चन है. टू कस्टमर्स आर विजिटिंग अ शॉप इन सेम वीक, मंडे टू सैटरडे. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट ऑन सेम डेज, डिफरेंट डेज, कॉन्सेक्यूटिव डेज? ना ये क्वेश्चन आर डी शर्मा में दिया, सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया. सिर्फ आर डी शर्मा में मंडे टू सैटरडे 6 दिन के बारे में दिया है, और एनसीईआरटी में ट्यूजडे टू सैटरडे 5 डेज के बारे में दिया है. बस ये डिफरेंस है. तभी हम ये 6 डेज का आरडी शर्मा का सॉल्यूशन दे रहे और 5 डेज का सॉल्यूशन इसके बाद बता देंगे आपको शॉर्ट में, वो आप समझ सकते हैं. सो क्वेश्चन देखिए क्या है, दो कस्टमर्स वो एक ही शॉप को विजिट करते हैं वीक में, मंडे से सैटरडे के बीच में. एनसीईआरटी में ट्यूजडे सैटरडे, यानी यहाँ मंडे से सैटरडे, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, 6 दिन होते हैं, और एनसीईआरटी में मंडे टू सैटरडे की जगह
यहाँ मंडे की जगह ट्यूसडे दिया, मतलब ट्यूसडे टू सैटरडे वहाँ 5 days होते हैं, यानी दोनों कस्टमर्स 5 दिन में वहाँ विजिट करते हैं, यहाँ 6 दिन में। तो 6 दिन का आपको सॉल्यूशन हम दे रहे हैं और 5 days का सॉल्यूशन इसके बाद हम लिख देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। सो कितने कस्टमर्स है? 2 कस्टमर्स, वो एक ही शॉप को विजिट करते हैं मंडे से सैटरडे के बीच में, ठीक है। कितनी प्रोबेबिलिटी है कि दोनों सेम दिन विजिट करेंगे शॉप में, या कितनी प्रोबेबिलिटी के दोनों अलग अलग दिन करेंगे, या कितनी प्रोबेबिलिटी के दोनों कॉन्सिक्यूटिव एक के बाद एक, यानी अगर पहला कस्टमर सपोज मंडे को आया दूसरा ट्यूसडे को आना चाहिए, पहला ट्यूसडे को आया दूसरा वेडनेसडे को आना चाहिए, या पहला मंडे दूसरा ट्यूसडे, या दूसरा कस्टमर मंडे को आया पहला ट्यूसडे, तो भी करेक्ट है। कॉन्सिक्यूटिव डेज मतलब एक के बाद एक, ठीक है। कॉन्सिक्यूटिव डेज का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक जो दिन है उसमें लाइक दूसरा दिन। सो जैसे एक मंडे को आ रहा है, ट्यूसडे को आ रहा, अब मंडे को कौन सा कस्टमर आ रहा है उससे कोई लेना नहीं है, मंडे को फर्स्ट कस्टमर, ट्यूसडे को सेकेंड, या मंडे को सेकेंड और ट्यूसडे को फर्स्ट, दोनों करेक्ट है। लेकिन हाँ, कॉन्सिक्यूटिव यानी मंडे ट्यूसडे विजिट होना चाहिए, या ट्यूसडे वेडनेसडे होना चाहिए, कॉन्सिक्यूटिव यानी एक के बाद एक, या वेडनेसडे थर्सडे विजिट होना चाहिए दोनों कस्टमर की, इज इट क्लियर, या थर्सडे फ्राइडे, या फ्राइडे सैटरडे, दिस थिंग, सो वी विल सी ऑल दोस थिंग्स। द सॉल्यूशन, 2 कस्टमर्स आर विजिटिंग अ शॉप इन सेम वीक, यानी 2 कस्टमर्स एक शॉप में एक ही वीक में विजिट करते हैं, ठीक है, अलग अलग वीक नहीं, सेम वीक में, ठीक है, विजिट करते हैं मंडे से सैटरडे के बीच में। अब अगर सपोज 2 कस्टमर्स विजिट करते हैं, तो सपोज फॉर एग्जाम्पल इसमें कॉम्बिनेशन कितने आएंगे, अलग अलग पॉसिबल कॉम्बिनेशन, कि सपोज मंडे मंडे दोनों मंडे को विजिट कर रहे हैं, या मंडे ट्यूसडे पहला मंडे को कर रहा है दूसरा ट्यूसडे को कर रहे हैं, या फिर सपोज मंडे वेडनेसडे मंडे थर्सडे, यानी पहले कस्टमर का मंडे और दूसरे कस्टमर का मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, इस कंटिन्यू दिस थिंग, ठीक है। सो मंडे 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 ट्यूसडे मंडे वेडनेसडे मंडे थर्सडे, ऐसे भी ले सकते हैं। या हम आसानी के लिए क्या करेंगे, मंडे को डिनोट करेंगे 1 से, ट्यूसडे को 2 से, वेडनेसडे को 3 से, थर्सडे को 4 से, फ्राइडे को 5 से, और सैटरडे को 6 से। और फिर यहाँ पे मंडे 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 ट्यूसडे मंडे वेडनेसडे जाएगा 1 1 1 2 1 3, जैसे हम 2 डैश का जो टेबल लिखते हैं वैसे लिख देंगे तो आसान जाएगा। तो सॉल्यूशन, ठीक है, सो लेट नंबर्स अलॉटेड, लेट नंबर्स अलॉटेड टू different days are, अलग अलग दिन को सपोज नंबर अलॉट कर दी, आर मंडे, मंडे को अलॉट किया 1, ट्यूसडे, ट्यूसडे को अलॉट किया 2, वेडनेसडे, वेडनेसडे को अलॉट किया 3, थर्सडे, थर्सडे को अलॉट किया 4, फ्राइडे, फ्राइडे को नंबर अलॉट किया 5, और सैटरडे इसको नंबर अलॉट किया 6। ये नंबर्स क्यों अलॉट किया, क्योंकि नंबर्स के फॉर्म में हम टेबल लिखेंगे तो आसानी जाएगी। अगर सपोज हम मंडे 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 ट्यूसडे ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, टू बिकम डिफिकल्ट। सो मंडे को सपोज नंबर 1 अलॉट किया, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, लाइक सेटिंग, ठीक है। अब दोनों कस्टमर्स जो विजिट करेंगे उसमें हो सकता है कि पहला कस्टमर मंडे को आए, दूसरा कस्टमर भी मंडे को आए, या पहला मंडे को दूसरा ट्यूसडे को, या पहला मंडे को दूसरा वेडनेसडे को, या पहला मंडे को दूसरा थर्सडे को, यानी पहले के लिए फिक्स किया मंडे, मंडे यानी क्या फिक्स कर दिया 1, और दूसरे के लिए 1 के साथ 1 भी आ सकता, 1 के साथ 2 भी आ सकता, 1 के साथ 3 भी आ सकता, लेट्स कट दी प्रोसीड। लेट नंबर्स अलॉटेड टू डिफरेंट डेज आर, मंडे को 1 अलॉट किया, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे, आसान टेबल आसान करने के लिए प्रोसीड, ठीक। हेंस मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 कस्टमर्स विजिटिंग maximum possible combinations of 2 customers visiting the shop are as given. So we'll see it actually. Is it clear? So let numbers allotted to different days are, Monday ko 1 allot kiya, Tuesday ko 2, lines continue. Hence maximum possible combination of 2 customers
विजिटिंग द शॉप आर, अब यहां पे हम लिख रहे हैं कॉम्बिनेशन, एंड दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड ए सैंपल स्पेस. दैट्स इट. तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस क्या क्या आ जाएगा, 1 1 1 2, ऐसे नंबर ऑफ डेज कितने देंगे, 6, 1 1 1 2 1 3, आई जस्ट एक्सप्लेन यू क्या है ये, 1 3 1 4 1 5 1 6. नो, 1 1 का मतलब क्या, देखिए 1 क्या है, मंडे, मतलब फर्स्ट कस्टमर मंडे विजिट कर रहा, सेकंड कस्टमर ये भी मंडे विजिट कर रहा, मंडे मंडे, या फर्स्ट कस्टमर मंडे विजिट कर रहा, सेकंड कस्टमर ट्यूसडे कर रहा, या फर्स्ट कस्टमर मंडे कर रहा, सेकंड कस्टमर वेडनेसडे कर रहा, लाइक दिस, इज इट क्लियर. लेकिन अगर यहाँ पे मंडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, मंडे वेडनेसडे, मंडे थर्सडे, आप ऐसे लिखते थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता. इसलिए आसानी के लिए हमने क्या किया, हर डे को एक एक नंबर अलॉट कर दिया. मंडे को कौन सा नंबर अलॉट किया, 1, मतलब जहां पे भी हम 1 लिख रहे हैं मतलब मंडे है, जहां पे भी हम 1 लिख रहे हैं मतलब मंडे, जहां पे भी हम 2 लिख रहे हैं मतलब ट्यूसडे है, जहां पे भी हम 3 लिख रहे हैं मतलब वेडनेसडे है, जहां पे भी हम 4 लिख रहे हैं मतलब थर्सडे है, 5 इज फ्राइडे एंड 6 इज सैटरडे. इज इट क्लियर. तो नंबर एक्चुअली मंडे 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 ट्यूसडे लिखना डिफिकल्ट जाता, लेकिन 1 1 1 2 1 3 आज ज्यादा आसान जाता. देयरफॉर इसलिए हर डेज को हमने एक एक नंबर अलॉट कर दिया. आई एम समझ में आ गया. तो क्या किया हमने, 6 डेज है मंडे सैटरडे, हर दिन को एक. यस, चलो बीच में थोड़ा सा मेमोरी फुल हो गई थी इसलिए प्रॉब्लम आ गया है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन हमने पूरा आपको शुरू में बताया थी, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, आई हैव ऑलरेडी सॉल्व इट. ठीक है, मेमोरी फुल की ऐसे स्टोर नहीं हुआ तो दोबारा आई एम रिपीटिंग इट. सो स्वीट, तो मशीन समझ में आ गया. यानी हमने क्या किया, हर डे को एक एक नंबर अलॉट किया, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे लाइक दिस. और यहाँ पे मंडे 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 ट्यूसडे लिखने के बजाय हमने नंबर्स लिख दिया है. ठीक है, नंबर्स लिखने से फायदा क्या हो गया, यहाँ नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 6 डेज है, देखिए मंडे ट्यूसडे 6 डेज है लाइक दिस. और अगर डाई को थ्रो करेंगे तो भी 6 नंबर आते हैं. ठीक है, लाइक दिस. और 2 कस्टमर्स है वहां पे, 2 डाइस आर थ्रोन, तो जैसे 2 डाइस का कॉम्बिनेशन लिखते हैं 1 1 1 2, वैसे यहाँ पे 36 कॉम्बिनेशन आ जाएंगे. इज इट क्लियर. सो अगर हम यहाँ नंबर्स नहीं लिखते तो क्या करना पड़ता हमको, यहाँ लिखना पड़ता मंडे मंडे, यहाँ मंडे ट्यूसडे, मंडे वेडनेसडे, लिखना डिफिकल्ट जाता. आसानी के लिए हमने हर डे को एक एक नंबर अलॉट कर दिया, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2. और अब यहाँ 2 नंबर्स जो लिखे हमने, 2 नंबर जैसे 3 4 3 4 का मतलब क्या होता, पहला नंबर 3 मतलब फर्स्ट कस्टमर कौन से डे को विजिट कर रहा, डे 3 को कर रहा, और सेकेंड कस्टमर डे 4 को कर रहा. डे 3 देखिए कौन सा है, वेडनेसडे, यानी पहला कस्टमर डे 3 यानी वेडनेसडे को विजिट कर रहा, सेकंड कस्टमर डे 4, डे 4 देखिए कौन सा है, थर्सडे, तो सेकंड कस्टमर डे 4 थर्सडे को विजिट कर रहा. वैसे यहां पे देख लीजिए सीन 5 2, फर्स्ट कस्टमर डे 5 को विजिट कर रहा, डे 5 देखिए फ्राइडे है, और सेकंड कस्टमर डे 2 को कर रहा, और डे 2 मतलब ट्यूसडे है. सो यहां पे डेज के नाम लिखने के बजाय हमने हर डे को नंबर अलॉट कर दिया और यहां नंबर लिख दिया, आसान हो गया. ऐसे 6 रोज और 6 कॉलम, कितने कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, 36. इसे मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन 36, बिल्कुल सेम जो 2 डाइस को थ्रो करने के बाद नंबर आते हैं, बिल्कुल सेम. बेसिकली 2 डाइस के क्वेश्चन को इसने चेंज करके दे दिया है. इज इट क्लियर. सो व्हाट 5 2 क्या इंडिकेट करता है, 5 2 पहला नंबर जो है डे नंबर 5, ये कस्टमर 1 के लिए है, और कॉमा के बाद जो लिखा है दूसरा नंबर जो भी है डे नंबर, ये डे नंबर 2 कस्टमर 2 के लिए. तो डे नंबर 5 यानी फ्राइडे को कस्टमर 1 विजिट कर रहा, डे नंबर 2 मतलब ट्यूसडे को विजिट कर रहा. ऐसे ही अगर देखेंगे बॉक्स में जो हमने इनक्लोज किया 1 1 2 2 3 3, सेम नंबर, इसको डुप्लेट्स बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं, एक्चुअली डुप्लेट सेम, ऐसे डुप्लेट 6 है 1 1 2 2 3 3 लाइक दिस. तो 3 3 का मतलब क्या होता है, पहला कस्टमर भी डे 3 को विजिट कर रहा है, दूसरा भी डे 3 को, मतलब दोनों सेम डे कर रहे हैं. यहाँ पे देखिए 4 4 दोनों सेम डे, 5 5 सेम डे, 6 6 लाइक दिस, तो ये सेम डेज के लिए. यहाँ लिखे देखिए विजिट सेम डे, और बाकी इस बॉक्स के बाहर जितने भी है ये डिफरेंट डेज के लिए, विजिट फॉर डिफरेंट डेज. अब इवेंट ए, सो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन यहाँ पे कितने आ गए, यहाँ 6 रोज हो गए, 1 2 3 लाइक दिस, ऐसे 6 कॉलम्स हो गए, 6 × 6 कितने कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, 36. हेंस सो NS इज इक्वल टू, यानी मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन या मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट्स, मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कस्टमर विद इन शॉप आर, ये दिया हुआ है. सो NS इज इक्वल टू 6 रोज × 6 कॉलम, दैट इज 36. नाउ इवेंट ए, अब यहाँ पे क्या निकालना है, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट ऑन सेम डेज. सो इवेंट ए आउटपुट इज इक्वल टू विजिट सेम डेज, बताए सेम डेज, यानी अगर पहला कस्टमर मंडे को आ रहा है दूसरा भी मंडे को आना चाहिए, यानी सेम 1 1, पहला ट्यूसडे को आ रहा है दूसरा भी ट्यूसडे को आना चाहिए, मतलब 2 2, दैट इज सेम डेज. ये बॉक्स में हमने इनक्लोज किया 1 1 2 2 3 3, ये सेम डेज. बताए 4 4 का मतलब क्या होता है,
पहला कस्टमर भी डे फोर यानी थर्सडे को आ रहा, दूसरा कस्टमर भी डे फोर यानी थर्सडे को आ रहा। सो ये दोनों यहां मंडे मंडे आ रहे, यहां दोनों ट्यूसडे ट्यूसडे आ रहे, यहां कस्टमर वन भी डे थ्री यानी वेडनेसडे, कस्टमर टू भी डे थ्री वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे, सैटरडे सैटरडे, लाइक द सेम डेज। तो ऐसे कॉम्बिनेशन कितने हो गए? 6 कॉम्बिनेशन हो गए सेम डेज के लिए। सो आउटपुट विजिट सेम डेज, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एन इज इक्वल टू 6, क्योंकि ऐसे बॉक्स में 6 कॉम्बिनेशन यहां लिखा हुआ एक्चुअली विजिट सेम डेज। सो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा? पी ए इज एन ए बाई एन एस, दैट इज 6/36, दोनों को 6 डिवाइड करें 1/6। सेकेंड पार्ट क्या है? विजिट ऑन डिफरेंट डेज, ये देखिए डिफरेंट डेज। नाउ डिफरेंट डेज कौन सा है? तो यहां पे कॉम्बिनेशन देखिए, 6 रोज और 6 कॉलम, कितने कॉम्बिनेशन है? 36, पूरे 36। 36 में से सेम डे वाले कॉम्बिनेशन 6 है, सेम डेज वाले कॉम्बिनेशन 6 है, इसके बाहर जितने भी इधर है या इधर है ये सब डिफरेंट डेज के। तो बताइए सेम डेज के कॉम्बिनेशन है, पहला कस्टमर भी डे वन को आ रहा, सेकंड कस्टमर भी डे वन को 1/1, पहला कस्टमर भी डे टू को आ रहा, सेकंड भी डे टू को, पहला भी डे थ्री, सेकंड भी डे थ्री, लादी सदी। तो ये बॉक्स के अंदर ही सेम डेज हो गए। तो ऐसे टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो गए यहाँ पे? 36। सेम डेज के कॉम्बिनेशन कितने हो गए? 6। ये 6 को माइनस कर दिए 36 में 6, बाकी जो इधर और इधर बच गए 30 बच गए डिफरेंट डेज के लिए। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एन बी इज इक्वल 36 माइनस 6। ये 36 माइनस 6 क्या है? 36 यानी पूरे कॉम्बिनेशन, क्योंकि नंबर ऑफ रोज 1, 2, 3 ऐसे 6 रोज है और ऐसे कॉलम भी कितने? 6। 6 इंटू 6 कितने आ गए? ये 36 आ गए। लेकिन टोटल कॉम्बिनेशन 36 आ गए, उसमें सेम डे की कॉम्बिनेशन कितने आ गए? 6। तो ये 36 में 6 माइनस कर देंगे, बाकी यहाँ और यहाँ जो बाहर बच गया बॉक्स के बाहर ये डिफरेंट डेज के। सो 36 माइनस 6 इक्वल 30। और प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा? 30/36, दोनों को 6 डिवाइड करें, 6 5 30 6 6 36। इज इट क्लियर? अब इसके बाद नंबर 3 हम लेंगे कॉन्सिक्यूटिव डेज। सो सेम डेज मतलब क्या? दोनों कस्टमर या तो पहला मंडे को आ रहा तो दूसरा भी मंडे को आना चाहिए, पहला ट्यूसडे को आ रहा पहला कस्टमर तो कस्टमर टू भी ट्यूसडे को, कस्टमर वन अगर वेडनेस जा रहा कस्टमर टू भी वेडनेस को आना चाहिए सेम डे, मंडे मंडे, ट्यूसडे ट्यूसडे, यानी 1 1 2 2 3 3 लाइक दिस। नॉट डिफरेंट डेज यानी क्या? पहला कस्टमर अगर मंडे को आ रहा है तो दूसरा मंडे को छोड़ के बाकी से भी दिन, अगर पहला कस्टमर मंडे को आ रहा है तो सेकंड कस्टमर मंडे छोड़ के ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कभी भी आ सकता, या पहला कस्टमर ट्यूसडे आ रहा तो सेकंड कस्टमर ट्यूसडे छोड़ के मंडे भी आ सकता वेडनेसडे थर्सडे, लेकिन ट्यूसडे नहीं आएगा, दैट इज डिफरेंट डेज। और कॉन्सिक्यूटिव यानी एक के बाद एक, जैसे नंबर्स 1 के बाद 2 आता, 2 के बाद 3 आता, इसको कॉन्सिक्यूटिव बोलेंगे, ठीक है राजेश? तो जैसे नंबर्स 1 के बाद एक आता 1 2 3 4 5, दे आर कॉल्ड एज कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। तो वैसे ही अगर पहला कस्टमर कॉन्सिक्यूटिव डेज का मतलब क्या होता है? अगर पहला कस्टमर मंडे को आ रहा है तो दूसरा कस्टमर ट्यूसडे को आना चाहिए, अगर पहला ट्यूसडे को आ रहा है दूसरा वेडनेसडे को आना चाहिए, पहला वेडनेसडे को आ रहा है बाद में थर्सडे, तो मंडे ट्यूसडे ये कॉन्सिक्यूटिव हो गए, ठीक है? मंडे वेडनेसडे कॉन्सिक्यूटिव नहीं हुआ, क्योंकि मंडे और वेडनेसडे के बीच में एक दिन का गैप आ गया, तो ये कॉन्सिक्यूटिव नहीं होगा। हाँ, मंडे ट्यूसडे कॉन्सिक्यूटिव है, तो कॉन्सिक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक। अगर पहला कस्टमर मंडे को आ रहा और दूसरा कस्टमर फ्राइडे को आ रहा, तो मंडे और फ्राइडे के बीच में तो बहुत गैप हो गया, तो ये मंडे और फ्राइडे कॉन्सिक्यूटिव डेज नहीं आएंगे। हाँ, डिफरेंट डेज में आ जाएंगे लेकिन कॉन्सिक्यूटिव नहीं आएंगे। तो कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या? वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक। सो पहला कस्टमर मंडे को आ रहा दूसरा ट्यूसडे को आना चाहिए, पहला ट्यूसडे को आ रहा दूसरा वेडनेसडे को, पहला वेडनेसडे दूसरा थर्सडे, यानी मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, कॉन्सिक्यूटिव है। हाँ, सैटरडे मंडे कॉन्सिक्यूटिव नहीं है, क्योंकि सैटरडे और मंडे के बीच में संडे गैप आ जाएगा, इसलिए सैटरडे और मंडे भी कॉन्सिक्यूटिव नहीं है। ना अगर मंडे ट्यूसडे कॉन्सिक्यूटिव है, इसमें पहला कस्टमर मंडे को आ रहा और दूसरा कस्टमर ट्यूसडे को आ रहा, करेक्ट है, या इसका कन्वर्स भी हो सकता, पहला मंडे दूसरा ट्यूसडे, या दूसरा कस्टमर मंडे को आ गया और पहला ट्यूसडे को आ गया तो भी करेक्ट है, यानी फर्स्ट कस्टमर मंडे को आया दूसरा ट्यूसडे को आया तो भी करेक्ट है, या रिवर्स दूसरा ट्यूसडे के बजाय दूसरा मंडे को आ गया और पहला वाला ट्यूसडे आ गया तो भी करेक्ट है, तो भी कॉन्सिक्यूटिव आ गया, यानी कॉन्सिक्यूटिव यानी एक के बाद एक, मंडे ट्यूसडे, लेकिन मंडे को कौन सा कस्टमर आएगा वो नहीं दिया है, तो मंडे को अगर फर्स्ट कस्टमर आया तो ट्यूसडे को सेकंड आना चाहिए, या अगर मंडे को सेकंड कस्टमर आया तो ट्यूसडे को फर्स्ट आना चाहिए, और दोनों करेक्ट है, दोनों कॉन्सिक्यूटिव में आएंगे। सो इसके बाद में आई एम टेकिंग कॉन्सिक्यूटिव डेज। यस, थर्ड पार्ट है देखिए कॉन्सिक्यूटिव डेज, व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट ऑन कॉन्सिक्यूटिव। कॉन्सिक्यूटिव आपको पता है एक के बाद एक दिन, जैसे फॉर एग्जांपल 1/1 बताइए क्या आ जाएगा? 1/1 सेम डे आ जाएगा, 1/2 क्या आ जाएगा? डिफरेंट डे, लेकिन 1/2 कॉन्सिक्यूटिव भी आएगा, 1/3 क्या आएगा? डिफरेंट डे, लेकिन 1/3 कॉन्सिक्यूटिव नहीं आएगा, क्योंकि 1 और 3 के बीच में 2 नंबर का गैप है। इज इट क्लियर? याद रखिए 1/2 कॉन्सिक्यूटिव है, 1/3 कॉन्सिक्यूटिव नहीं है, 1/4 नहीं है, हाँ बाद में 2/3 भी है, 2/3, लेकिन 2/4 नहीं है, लेकिन 2/4 के बीच में गैप 3 का आ गया, तो 2/3 कॉन्सिक्यूटिव है, बाद में 3/4 कॉन्सिक्यूटिव है। इसका मतलब इस बॉक्स के जो किनारे किनारे नहीं, ये कॉन्सिक्यूटिव आएंगे यहाँ पे, और सिर्फ इस तरफ नहीं, नीचे भी आएंगे,
वन टू उसका कन्वर्स टू वन, वन टू का मतलब क्या होता है, पहला कस्टमर डे वन को आ रहा, दूसरा कस्टमर डे टू को, और ये उसका रिवर्स, पहला कस्टमर डे टू को आ रहा और दूसरा कस्टमर डे वन, तो ये भी लेकिन कॉन्सिक्यूटिव हो गया टू वन, ठीक है ना। दिस तो इसका मतलब याद रखिए वन टू और टू वन दोनों करेक्ट है, क्योंकि वन टू के बीच में भी कोई नंबर का गैप नहीं है, टू वन में भी नंबर का गैप नहीं है। हाँ वन थ्री में नंबर टू का गैप है, वैसे अगर देखेंगे फोर वन में गैप है, यहाँ पे नंबर फोर और वन के बीच में टू भी नहीं है थ्री भी नहीं रहती सदी, तो कॉन्सिक्यूटिव यानी एक के बाद एक, लाइक दिस। अगर एक कस्टमर मंडे को आ रहा, पहला मंडे को आ रहा दूसरा ट्यूजडे को आ रहा, करेक्ट है, लेकिन इसका कन्वर्स पहला मंडे की बजाय पहला ट्यूजडे को आ गया और दूसरा कस्टमर मंडे को आ गया, तो भी करेक्ट है, मंडे ट्यूजडे या ट्यूजडे मंडे दोनों करेक्ट है, इज इट क्लियर दिस सदी। सो कॉन्सिक्यूटिव डेज नंबर थ्री इवेंट सी, इवेंट सी आउटपुट विजिट ऑन कॉन्सिक्यूटिव डेज विजिट ऑन कॉन्सिक्यूटिव डेज। देखिए इवेंट सी में देखिए कॉम्बिनेशंस कौन कौन से आ जाएंगे, हम यहां कॉम्बिनेशंस लिख दे रहे, तो यहां पे वन टू आएगा, वन टू का मतलब क्या होता है, पहला कस्टमर डे वन यानी मंडे को विजिट कर रहा, दूसरा कस्टमर डे टू ट्यूजडे को, मंडे ट्यूजडे, तो मंडे ट्यूजडे के बाद एक दिन हो गए, ठीक है, वन टू आएगा, बाद में टू थ्री आएगा, टू थ्री आएगा, पहला कस्टमर डे टू मतलब ट्यूजडे को, दूसरा कस्टमर वेडनेसडे, ट्यूजडे वेडनेसडे, ये मंडे ट्यूजडे, ट्यूजडे वेडनेसडे, बाद में थ्री फोर आएगा, वेडनेसडे थर्सडे, फोर फाइव आएगा, थर्सडे फ्राइडे, बाद में फाइव सिक्स आ जाएगा, दीज आर कॉन्सिक्यूटिव वन टू टू थ्री लाइक दिस, इज इट। देखिए नंबर वन टू के बीच में गैप नहीं है, टू थ्री के बीच में गैप नहीं है, थ्री फोर के बीच में कोई नंबर नहीं आता, फोर फाइव के बीच में नहीं आता, फाइव सिक्स, लेकिन वन टू का कन्वर्स टू वन वो भी करेक्ट है, ठीक है, वन टू का जो कन्वर्स है टू वन ये भी करेक्ट, ये भी कॉन्सिक्यूटिव हो गए। यहां कस्टमर वन डे वन मंडे को आया, कस्टमर टू ट्यूजडे को आया, यहां कस्टमर वन मंडे को आया, पहले कस्टमर वन बाद में कस्टमर टू, लेकिन यहां कन्वर्स, यहां कस्टमर वन ट्यूजडे को आया टू, और कस्टमर टू जो है वो मंडे को आया, तो इसका कन्वर्स वन टू टू वन दोनों करेक्ट है। टू थ्री, टू थ्री का कन्वर्स थ्री टू, यहां पे कस्टमर वन ट्यूजडे को आया और कस्टमर टू वेडनेसडे को आया, लेकिन यहां कस्टमर टू वेडनेसडे को था, लेकिन यहां पे कस्टमर टू देखिए ट्यूजडे को आया, ये कस्टमर टू के लिए, ये कस्टमर वन के लिए, यहां कस्टमर वन ट्यूजडे, कस्टमर टू वेडनेसडे, यहां पे कस्टमर वन वेडनेसडे देखिए थ्री, और कस्टमर टू ट्यूजडे, सो टू थ्री थ्री टू ये भी करेक्ट है, थ्री फोर, फोर थ्री भी करेक्ट है, फोर फाइव, फाइव फोर भी करेक्ट है, और फाइव सिक्स, सिक्स फाइव भी करेक्ट है, तो ऐसे टोटल दस टर्म्स है, ऐसे कितना टर्म्स है एक्चुअली 10 टर्म्स, ये आ जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। इसका मतलब क्या होता है, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, ना ये फ्राइडे सैटरडे ये उसका कन्वर्स, यानी यहाँ पे कस्टमर वन फ्राइडे को गया, कस्टमर टू को सैटरडे को, और यहाँ पे कस्टमर वन फ्राइडे को था, यहाँ पे कस्टमर वन सैटरडे को, देखिए, और यहाँ कस्टमर टू एक्चुअली सैटरडे को था, लेकिन यहाँ कस्टमर टू फ्राइडे को गया, तो कौन सा कस्टमर पहले जा रहा है, कौन सा कस्टमर बाद में, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फ्राइडे सैटरडे में से कोई भी एक दिन या तो कस्टमर वन कस्टमर टू में से कोई एक आना चाहिए, और सैटरडे को दोनों में से कोई एक। सो अगर फ्राइडे को कस्टमर वन गया है तो सैटरडे को कस्टमर टू जाना चाहिए, या अगर फ्राइडे को कस्टमर टू गया है तो सैटरडे को कस्टमर वन जाना चाहिए, दोनों करेक्ट है, कॉन्सिक्यूटिव डेज में आ जाएंगे। सो ऐसे 10 टर्म्स है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इवेंट सी का यानी एन सी इज इक्वल टू 10। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी यानी पी सी इज इक्वल टू एन सी अपॉन एन एस, दैट इज 10 अपॉन 36, और दोनों को डिवाइड कर सकते हैं आप 2 से, तो 2 फाइव्स आर 10 एंड 2 18s, और ये करेक्ट आंसर है, बुक में आंसर में मिसप्रिंटिंग है, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। एनसीईआरटी के बुक में अगर आप देखेंगे वहां पे 5 डेज दिया, और 5 डेज के हिसाब से यही आंसर दिया करेक्ट वाला, यू विल गेट इट। सो 10 अपॉन 36 या दैट इज 5 अपॉन 18। सो आर डी शर्मा की बुक में मिसप्रिंटिंग है, गलत दिया नहीं, मिसप्रिंटिंग है, 10 अपॉन 36 की जगह 5 अपॉन 36 दिया, लेकिन बेसिकली 10 अपॉन 36 या 5 अपॉन 18 दिस इज द आंसर, कॉन्सिक्यूटिव डेज, इज इट क्लियर। तो विजिट ऑन कॉन्सिक्यूटिव डेज मतलब एक के बाद एक, यहाँ देखिए नंबर में गैप नहीं, वन टू, टू थ्री, थ्री फोर, ठीक है, लाइक दिस। फोर फाइव का मतलब क्या होता है,
कस्टमर वन डे फोर को जा रहा है, कस्टमर टू डे फाइव को, और यहां कस्टमर टू डे फाइव को था लेकिन यहां कस्टमर टू देखे डे फोर को है, तो यहां पे इसका कन्वर्स है, तो 4554 दोनों करेक्ट है। जैसे 10 टर्म्स आ गए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एनसी की वैल्यू 10 सभी। नो एनसीईआरटी में जो बुक दिया है, बुक में एनसीईआरटी के बुक में जो क्वेश्चंस दिया है, यही सेम कस्टमर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहां पे मंडे टू सैटरडे की जगह उसने ट्यूसडे कर दिया है। सो अगर आप इफ यू विल सी एनसीईआरटी की बुक, तो एनसीईआरटी के बुक में सिर्फ ये जो मंडे लिखा है, ये मंडे की जगह यहां पे, ये जो मंडे की जगह यहां पे ट्यूसडे है, एनसीईआरटी ट्यूसडे। मंडे से सैटरडे 6 दिन होते हैं, मंडे सैटरडे 6 दिन, लेकिन ट्यूसडे सैटरडे देखिए, अगर मंडे नहीं है ट्यूसडे तो 5 डेज आ जाएगा। फिर आप नंबरिंग जब देंगे तो नंबरिंग आपको 1 से लेकर 5 तक देना पड़ेगा, ठीक है दिस। सो अगर मंडे नहीं है, जैसे एनसीईआरटी में मंडे नहीं है, तो ट्यूसडे को 1 देंगे, वेडनेसडे को 2 देंगे लाइक दिस, थर्सडे को 3 देंगे, इसको 4 देंगे और इसको 5 देंगे, ठीक है दिस। सो जो एनसीईआरटी की बुक में उस पर डिफरेंस क्या है वो आपको हम बता दे रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक में यहाँ पे नंबर ऑफ डेज 6 डेज मंडे टू सैटरडे क्या गया, ट्यूसडे और सैटरडे दिया, तो ट्यूसडे को 1 देना पड़ेगा, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को 2, थर्सडे को 3, फ्राइडे को 4, सैटरडे को 5, यानी कितने डेज आ जाएंगे, 6 किया गया 5 डेज। फिर यहाँ पे भी नंबर कहाँ तक आएंगे, सिर्फ 5 तक, यहाँ पे भी 5, 6 वाले नंबर नहीं आएंगे, यानी एक भी नंबर जिसमें 6 है वो नहीं आएंगे। इसका मतलब ये जितने भी नंबर है 6 वाले, देखिए ये 6 वाले जितने भी नंबर है, ये कोई भी नंबर नहीं रहेंगे, ये नंबर पूरे कैंसिल हो जाएंगे। वैसे यहां पे जो नंबर है 6 वाली है, ये भी पूरे कैंसिल होंगे, ये पूरे कैंसिल, यानी हमारा टेबल क्या रहेगा, सिर्फ 1112 से 15 तक, और यहां पे 51 से 55 तक। तो बताइए यहां पे 6, जब टेबल 6 वाला नंबर था तो टेबल का साइज था 6 by 6 36, अब ये 6 वाला नंबर नहीं, 5, तो टेबल का क्या साइज आ जाएगा, 5 by 5 25, यानी ये वाला टर्म हमारा 36 किएगा, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 25। एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें नंबर ऑफ डेज मंडे से सैटरडे की जगह ट्यूसडे सैटरडे दिया है, मंडे वहां नहीं इसलिए मंडे कैंसिल किया हमने, ट्यूसडे को 1 देंगे, वेडनेसडे को 2, ऐसे सिर्फ 5 टर्म्स आएंगे, 5 नंबर आएंगे 1 से 5 तक, 6 वाला नंबर नहीं आएगा। तो 6 वाले सारे टर्म, ये पूरे टर्म कैंसिल होएंगे, ये पूरे टर्म कैंसिल होएंगे, तो आपका टेबल सिर्फ 5 तक, बस टेबल यहां से 1 1 से 1 5, 2 1 से 2 5, और आखिरी में 5 1 से 5 5, बस इतना टेबल रहेगा। तो बताइए फिर यहां पे 6 वाले नंबर के साथ में टेबल 6 by 6 हो गया था, लेकिन 6 वाले नंबर नहीं है 5 तक, तो टेबल आएगा 5 by 5, कितना 25, तो मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे 5 into 5 आ जाएगा, ठीक है, जैसे 6 नहीं आएगा यहाँ पे, 5 into 5 यानी 36 नहीं 25 आ जाएगा। फिर सेम डेज के लिए 1 1 2 2 3 3 5 5, यानी 5 आ गया, सेम डेज के लिए 5 आ जाएगा। डिफरेंट डेज के लिए ये जो 25 है, 25 टोटल कॉम्बिनेशन 25, उसमें से 5 सेम को माइनस कर देंगे, 25 माइनस 5, तो ये जो डिफरेंट डेज बाहर वाले आ जाएंगे वो 25 माइनस 5 20 आ जाएंगे। तो सेम डेज तो बहुत सिंपल, 1 1 2 2, सिर्फ 5 टर्म्स आएंगे सेम डेज में, और डिफरेंट डेज में क्या आ जाएंगे, जो पूरे कॉम्बिनेशन 25 थे 25 में से 5 सेम डे माइनस कर दिए, तो 25 माइनस 5 मतलब 20, 20 के आधे 10 यहां मिलेंगे, 10 यहां मिलेंगे, मतलब ये डिफरेंट डेज के लिए 20 आ जाएंगे। और कॉन्सिक्यूटिव डेज में भी 6 वाला टर्म नहीं रहेगा, यानी कॉन्स्टिव डेज में कॉन्स्टम नहीं रहेगा, ये 6 वाला टर्म ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, 6 वाला टर्म नहीं रहेगा, बाकी सब रहेंगे। तो बताइए कितने कॉम्बिनेशन आएंगे, 2 2 4 2 6 2 8, यानी 10 किया गया, यहाँ 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8। और प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, फिर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगा उसके हिसाब से जो हम लिख रहे, इवेंट सी का आ जाएगा 8/25, और ये एनसीईआरटी के बुक में ये आंसर करेक्ट दिया हुआ है, जैसे 10/36 है 8/25 है, क्योंकि मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस कितने आ जाएंगे 25, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट डेज में क्योंकि 6 वाला टर्म नहीं रहेगा, इसलिए कॉन्स्टेंट डेज में 8 टर्म्स आ जाएंगे। सो पीसी इज इक्वल टू 8/25, एनसीईआरटी के बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख लेगा, जो एक्सरसाइज 16.2 ऑप्शनल एक्सरसाइज है, ऑप्शनल एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शनल एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी के बुक में है, जिसमें मंडे टू सैटरडे की जगह ट्यूसडे टू सैटरडे, यानी यहाँ ट्यूसडे से मतलब 5 डेज, तो नंबर सिर्फ 5 तक आएंगे, 6 नहीं आएगा, 6 वाले पूरे टर्म कैंसिल, जहाँ जहाँ 6 वाले टर्म है पूरे कैंसिल, ये पूरा कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ टेबल का साइज 5 by 5 25 आ जाएगा। फिर सेम डेज में भी 5 टर्म्स आ जाएंगे, डिफरेंट डेज में टोटल टर्म्स 25 में से 5 माइनस करेंगे 20 आ जाएंगे, और कॉन्सिक्यूटिव में भी 6 वाले टर्म कैंसिल होंगे, जैसे यहाँ पे 10 टर्म थी इसके पहले, ठीक है, यहाँ पे कितने टर्म्स आ जाएंगे, 8 टर्म्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा एनसी की वैल्यू 8,
एन सी की वैल्यू फिर वहां पे 10 किया क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो एन सी की वैल्यू देखिए 8 है। और एन ए स्क्वायर देखिए 25 है, यह आ जाएगा एनसीईआरटी बुक में, चेक कर लिए सीट। थैंक यू।